हमारे पास वैसे ही 2000 के नोट नहीं है। 2000 नोट उनके पास होंगे जो ब्लैक मनी जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, हमारे पास खुद लोन चढ़ा हुआ। गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था करी है कि वो पैसा आप इजी वे में बैंक में जाकर के जमा कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी कैशलेस काम हो चुका है वो सब आजकल ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। अब बाकी वही है कि जिसके पास काला धन पड़ा वही डरे जाता है। 2016 में भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में नोटबंदी की गई थी और तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। विकल्प के रूप में 2000 के नोट छापे गए और लोगों को तत्काल राहत दी गई। अब इन 2000 के नोटों को भी चलन से बाहर किया जा रहा है। कानपुर के लोग हमारे साथ में हैं, स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए, 2000 का नोट अब बंद हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या असर पड़ने वाला है इससे? हमारे पास वैसे ही 2000 के नोट नहीं है। 2000 नोट उनके पास होंगे जो ब्लैक मनी जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, हमारे पास खुद लोन चढ़ा हुआ है। जिसके पास 2000 नोट हो हमें दे जाए, हम लोन अदा कर देंगे, धीरे धीरे हमसे वापस लेता रहे, इससे अच्छा बढ़िया क्या उपाय है। ये बताइए, क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं इकोनॉमी में, जिस तरीके से 2000 के नोट आए लोगों के पास पहुँचे, फिर इसके बाद एक बार फिर से सरकार इसको बंद करने का फैसला ले रही? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है। 2016 पे भी जो उन्होंने फैसला लिया, इससे पहले जो फैसला लिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी ने जोड़ के रखा होगा कि किसी को बच्ची को शादी करनी है तो पैसे खर्च ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा रखा होगा। वो बैंक ने एक ऐसा सिस्टम है और गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था करी है कि वो पैसा आप इजी वे में बैंक में जाकर के जमा कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी कैशलेस काम हो चुका है। इसलिए आज हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप ये समझिए कि हम ATM के थ्रू और फ़ोन के थ्रू हम सारे जो है पेमेंट ऐसे ही ऑनलाइन कर देते हैं। तो इसलिए हमारे हिसाब से 2000 के नोटों के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का जो फैसला है वो कर रही है, वो ठीक है अपनी जगह पे। हो सकता है उनका अंदर से और कुछ करने का विचार हो और अच्छी व्यवस्था करने का विचार हो, तो हो सकता है कि वो 2000 नोट बंद करके, हो सकता है कि 5000 का नोट चलाने की व्यवस्था कर रहे हों, हो सकता है कि 200 की व्यवस्था कर रहे हों और नई कोई डिजिटल व्यवस्था कर रहे हों या सिक्के की व्यवस्था। लेकिन मैं आपसे यही चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा, ये जो हमारे यहाँ मंदिरों के ऊपर जो इतने ढेर सारे सिक्के जो चढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, उस पर भी विचार सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सिक्कों का दुरुपयोग होने लगा है और वो कहीं पे भी नहीं है और घाटे पे वो सिक्के जो है नीचे आदमी जो ले करके, और ब्लैक मनी के माध्यम से सिक्कों पे बहुत बड़ा ब्लैक मनी हो रहा है, इस पर भी ध्यान। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, छोटे छोटे पेमेंट भी डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है 2000 का नोट मार्केट से बाहर हो रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके कारोबार पर? इससे कोई खास फ़र्क पड़ना नहीं है, जैसे कि मतलब 2.5 साल से यहाँ नोट मतलब मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं कर रहा है, और आदमी यहाँ पर 5 रुपये का सामान ले रहा है, चाहे 2 रुपये का, चाहे 5 लाख का, वो सब आजकल ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। अब बाकी वही है कि जिसके पास काला धन पड़ा वही डरे जाकर, जिसके पास काला धन हो वो डरे। ये बताइए, आप क्या मानते हैं 2000 के नोट बाहर हो रहे हैं, चलन से बाहर हो रहे हैं, सरकार ने एक अवधि दी है तब तक जमा कर सकते हैं लोग, कितना फ़र्क पड़ने जा रहा है इससे? देखिए सर, सरकार के फैसले में कोई अनुरोध तो है ही नहीं, सर उन्होंने इतना लॉन्ग टर्म आपको 4 महीने दिए हैं, आप आराम से जाके आराम से अपने आप अपने पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। ये दिक्कत उनके पास है जिनके पास ब्लैक मनी इसमें अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत सर है ही नहीं। 4 महीने बहुत लंबा टर्म होता है सर, आम इंसान आराम से जाके उसको भर सकता है। और इसके साथ साथ व्यापार भी आप देखिए डिजिटल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, आदमी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सब पे इन पर ज़्यादा निर्भर हो चुका है। इससे व्यापार में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंच सकती है। कानपुर के लोगों का मानना यह है कि पहले ही से लोग डिजिटल हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद लोगों ने डिजिटल माध्यम को अपनाना शुरू किया गया कर दिया था, और इसके बाद 2000 के नोट बाज़ार में आए, चलन में रहे कुछ दिनों बाद, लेकिन उसके बाद अचानक से ये नोट बाज़ार से गायब होने लगे। ऐसा माना जा रहा था कि लोगों ने इनको डंप करना शुरू कर दिया है, ऐसे लोग इनके पास बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी रहती है, उन्होंने उसे 2000 रुपये में कन्वर्ट करके घरों में रहना शुरू कर दिया। तो कानपुर के लोगों का कहना है कि उन्हें 2000 नोट के बंद होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, फ़र्क पड़ेगा तो उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा जिन्होंने मली के रूप में इस धन को इकट्ठा करके रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन, कानपुर।